हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 बाई 16 फुट का एक ऑफिस का डिज़ाइन। ईस्ट फेसिंग ये प्लान है और वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइट। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 50 फुट 6 इंच बाई 16 फुट में इसको बनाया गया है। वेंटिलेशन चारों तरफ से है, तो मीन्स चारों तरफ से ओपन स्पेस इसमें मिल रहा है। जहाँ से आप देखेंगे फ्रंट से एंट्री है, एंट्री होगी वेटिंग एरिया में, और अच्छे साइज़ का वेटिंग एरिया मिल रहा है। 12 बाई 14.5 फिट का वेटिंग एरिया है। एक एंट्री यहाँ पर किचन में दी गई है, सेपरेट एंट्री। किचन में एक एंट्री अंदर से दी गई है, किचन या पैंट्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है वेटिंग एरिया में, 7 बाई 5 का ये टॉयलेट है। वेंटिलेशन के लिए साइड में इसका वेंटिलेटर लगाया गया है। ये सारा आप वेटिंग एरिया है। सोफ़ा प्लेसिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू आउट अच्छा स्पेस मिलता है। रिसेप्शन काउंटर बिल्कुल एंट्री पर ही दिया गया है। इनका फेसिंग होगा डोर की तरफ और पीछे की तरफ से काउंटर लगा होगा, तो इन केस अगर रिसेप्शनिस्ट को अंदर जाना होगा ऑफिस में तो वो ईजिली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बॉस केबिन आपको ये दिया गया है। यहाँ पर 12 बाई 14.5 फुट का एक बॉस केबिन दिया गया है। फिटिंग के लिए चेयर्स यहाँ लगाई गई हैं, शेल्फ वगैरह आप यहाँ लगा सकते हैं, विंडो पीछे और फ्रंट में लगा सकते हैं। फ्रंट में ही पूरा पोर्शन एज अ ग्लास पोर्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के जस्ट पीछे आप देखेंगे कि यूटिलिटी के लिए एक बेडरूम दे दिया गया है। 11.5 बाई 14.5 का एक बेडरूम है। इतना पोर्शन अलग है, सोफा प्लेसिंग कर सकते हैं या कुछ एडिशनल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 5 बाई 7 फुट के एक टॉयलेट को भी इसमें अटैच किया गया है। इनकेस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो ये बॉस का केबिन आप पीछे लेके जा सकते हैं, बेडरूम को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला एरिया वर्किंग स्पेस की तरह काम करेगा, यहाँ पर चेयर्स वगैरह लग सकता है। ये जो ऑफिस डिज़ाइन किया गया है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये सिर्फ बॉस का केबिन ही है पूरा का पूरा। वर्क प्लेस जो है एम्प्लॉयज़ के लिए अलग दिया गया है, तो सिर्फ इनको बॉस से मिलना होगा, वो यहाँ से एंट्री करेंगे। और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं केवल एक बंदे के लिए दी गई हैं। इनकेस अगर प्रॉपर ऑफिस डिज़ाइन होता तो उसमें स्टाफ के लिए थोड़ा सा अलग स्पेस दिया जाता है। बट इन केस अगर आपका साइज़ थोड़ा सा प्रिसाइज है तो इस ऑफिस को आप पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। आगे वाला जो ये स्पेस होगा, ये पूरा वर्किंग स्पेस आ जाएगा। वेटिंग हॉल को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि 12 फुट काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्लान आपको समझ आया होगा। इन केस कुछ अलग रिक्वायरमेंट आपकी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आईपी अलग अलग तरह के प्लान्स अपलोड किया गया है, आप उनको भी देख सकते हैं। इस प्लान के बारे में आपको कह रहा है दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इसी तरह के नए और बेहतरीन प्लान्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।